व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज संडे है। आज सुबह जल्दी में उठ गई क्योंकि संडे का आज कुछ प्लानिंग करके रखी थी। आज जल्दी उठना पड़ेगा, इसीलिए सुबह मैं जल्दी उठ गई। और मेरे हस्बैंड भी आज घर में नहीं है, वो काम पे लिए निकल गए। और बेटे तो बहुत ही खुश है क्योंकि आज उसका ऑनलाइन क्लास नहीं है। रोज ही बोलता रहता है कब संडे आएगा, वो फ्री रहता है ना, क्लास नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ही खुश है। आज संडे है और मैं भी संडे के लिए वेट करती हूँ क्योंकि संडे के दिन दूसरे दिन तो मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि सुबह उठ के जल्दी से उसके तैयार करके सुबह का ब्रेकफास्ट मेरी मेड रखी हुई वो बना लेती है, तो उसे सब रेडी करके देना पड़ता है और उसे लेकर पूरे टाइम चले जाते हैं क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक उसका ऑनलाइन क्लास रहता है, तो उसके पीछे ही मुझे टाइम देना पड़ता है। फिर उसके इस टाइम के अंदर ब्रेक होते हैं, ब्रेक टाइम पे उसे खाना खिलाना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट क्लास वो शुरू हो जाते हैं, इसलिए बहुत टाफ हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद उसके नहलाओ, बहुत कुछ काम रह जाता है। धीरे पता नहीं कैसे टाइम चला जाता है, 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। बहुत देर हो जाता है लंच करने के लिए। दोपहर का हम लोग बहुत देर से कर पाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम भी मैनेज नहीं हो सकता। ऑफलाइन क्लास में ऐसे होता है कि ऑफलाइन क्लास होता है, स्कूल चला जाता है तो बहुत ही टाइम बच जाते हैं क्योंकि मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। छोड़ के आने के बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट कर पाते हैं जल्दी जल्दी, तभी लंच भी हो जाता है, वो स्कूल आने के बाद हो जाता है। बट स्कूल ऑनलाइन क्लास में बहुत दिक्कत रहता है क्योंकि उसके पूरे टाइम उसको देना पड़ता है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और वो भी जब स्कूल बंद ऑनलाइन क्लास शुरू, उसका भी मन बिल्कुल ही नहीं लगता। उठने के बाद बहुत जीत करता, नहीं उठूंगा, अभी नहीं अभी नहीं, तो कुछ ऐसे करके मैं उसे मैनेज करके फिर उसे मैं उठा लेती हूँ। बट फिर क्लास करने वक्त बहुत मुझे तकलीफ रहती है। धीरे धीरे बट सेट हो जाता है, कुछ टाइम जाने के बाद वो खुद ही कर लेता है कि सामने बैठना पड़ता है उसके साथ मुझे, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है मेरे उसे लिए उसके पीछे। और आज तो बहुत ही वो खुश है क्योंकि आज सुबह से उसे कल से बोल रहा है कल संडे है, मैं तो बहुत खुश, बहुत देर तक सोऊंगा, मैं जल्दी नहीं उठूंगा, मुझे मत बुलाना, मैं जल्दी नहीं उठूंगा, मैं बहुत देर तक सोऊंगा और उठ के मुझे जब पूरा दिन खेलता रहूंगा। मैंने ठीक है, ओके कोई बात नहीं, कल संडे है, ठीक है देर से उठो, लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले उठा है मैंने उसके। अभी वो खेल रहा है, मैं उसे दिखा देती हूँ, वो कुछ बोलेगा उसके संडे के लिए। वो संडे का दिन स्पेशल बोलता है, संडे दिन स्पेशल है, तो मैंने कहा ठीक है क्या स्पेशल है वो तो मुझे पता है, और आज वो खुद बोलेगा उसके मुंह से संडे का दिन क्या स्पेशल है, बताओ। संडे के दिन मुझे खेलने का बहुत मौका मिलता है। अच्छा। और ऑनलाइन क्लास नहीं होता है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लास में हमेशा पढ़ाई करो और ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाई करो। मुझे ऑफलाइन क्लास अच्छा लगता है, ऑनलाइन क्लास अच्छा नहीं लगता। फिर करना तो पड़ेगा, अभी तो सिचुएशन वैसे नहीं है, अभी तो करना पड़ेगा। हाँ ऐसे तो तुम कर लेते हो कि सुबह सुबह उठने में बहुत दिक्कत करते हो मुझे, फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो, कुछ टाइम के बाद वो ठीक है, वो मान लेता है, क्लास कर लेता है। बट किन सुबह मुझे बहुत दिक्कत करता है, नहीं उठना, अभी नहीं अभी नहीं। फिर ठंड भी बहुत है, बहुत ठंड पड़ी है, इसीलिए और बच्चों को ना ठंड के सीजन बहुत नींद आती है, इसीलिए और भी ज्यादा मुझे तकलीफ देता है। फिर ठीक है आज कुछ कर रहा है उसका, वो ब्लॉग्स उसे बहुत पसंद है, ब्लॉग्स के साथ पूरे टाइम वो स्पेंड करता रहता है। जब भी उसके टाइम क्लास के बाद वो टीवी देखता रहता है और ब्लॉग से खेलता रहता है। हाँ वो कुछ और भी ब्लॉग्स है, ब्लॉग्स उसे बहुत ही पसंद है, बहुत सारे उसके ब्लॉग्स है, वो एम्बुलेंस ब्लॉग्स और कुछ बड़े ब्लॉग्स है, ये अमेजोन से मंगाई है, ये बहुत ही उसे पसंद है। और वो टाइम ज्यादातर टाइम इससे ये खेलता रहता है, बहुत कुछ इसे बीच बीच में बहुत कुछ डिजाइन बनाता है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं भी बोलता हूँ ठीक है, किसी चीज से मन लगा रहता है बच्चों का, वो ये कि क्या करे घर में बैठ के, तो कुछ और कुछ नहीं, टीवी मोबाइल से तो बेहतर है कुछ कुछ बनाओ। इसीलिए मैंने उसे खुद ही बोलती हूँ ठीक है कुछ इसे एक डिजाइन मत बनाओ, दूसरे चेंज कर कर करके बनाते रहो, तो करता रहता है। फिर तो मोबाइल के पीछे रहते, जितना भी मना करूँ पर हो नहीं पाता। फिर भी मैं टाइम देखे देती हूँ, 10-15 मिनट्स देखो ठीक है, इसके बाद मोबाइल रख दो, फिर रख देता है। लेकिन बहुत जिद पकड़ के रखता है, नहीं अभी देखना है, अभी देखना। मैं भी समझाती हूँ मोबाइल ज़्यादा देखना अच्छी नहीं है, आंखों के लिए तो बहुत ही बुरी। एक तो ऑनलाइन क्लास करते हो मोबाइल से, इसीलिए मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं डिक्टेट करते रहती हूँ और वो लिखता रहता है यार। ज़्यादातर मैं मोबाइल उसको मैं दिखने नहीं देती हूँ, इसीलिए पास बैठे रहती हूँ, जैसे उसे तकलीफ ना हो आंखों की। और बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन बट क्या कर सकते हैं, अभी ऑनलाइन क्लास ही करना पड़ता है बच्चों का, हर बच्चों का। तो जितना हो गए पेरेंट्स साथ में रहे, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखे बच्चों को, जो खुद हेल्प करे। जो आप डिक्टेट करते रहो बच्चे लिखते रहे, उनको कभी कभी तो बच्चे मोबाइल लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट मैं जितना हो सके उसके साथ रहती हूँ, जैसे उसे प्रॉब्लम ना हो मोबाइल से। ओके व्यूअर्स, मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। उस रूम में मेरी सासू माँ खाना खा रहे, अभी देखे आई, अभी जाऊंगी। ओके व्यूअर्स, सासू माँ ने खाना खा लिया और उनको एक जगह में बैठ कर खाना पड़ता है ना, उनको वो चल नहीं पाते, इसीलिए मुंह हाथ धुला के मैं दे के आई। अभी वो सो गए हैं और अभी मैं खाना खा लूँगी और मेड वो हम रह गए, हम खाना खा लेंगे। मेरे बेटे को मम्मी थोड़ी देर पहले खाना खिला दी मैंने, वो चावल, वो दाल चावल एक साथ सब्जी बॉयल करके। आज रोटी नहीं खाएगा वो बोल रहा है, सुबह से मुझे बोल रहा है आज से मैं चावल ही खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, दाल चावल सब्जी एक साथ मैं बॉईल करके उसके दे देती हूँ। उसके बचपन से उसे बहुत ही पसंद है ये, वो थोड़े से बटर या घी डाल के दे देती हूँ उसे। मैंने खाना खिला दिया, अभी वो टीवी देखने में बिजी और मैं अभी खाना खा लूँगी मैं अभी। ओके व्यूअर्स, ओ ओ ओ ओ एक बात रह गई मेरी, कल रात को वो ना बहुत मस्ती करके पढ़ रहा था, पता नहीं रोज़ कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसे पढ़ाई में बैठने के बाद मुझे बहुत ही तंग करता रहता है, लेकिन कल पता नहीं क्यों वो सीख रहा था, कुछ पोएम सीख रहा था। मैंने कहा जो ठीक है तुम पढ़ो, मैं पीछे से चली गई और इतना मस्ती करके वो पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं चुपके से उसका वीडियो मैंने कर ली, ब्लॉग में मैं ज़रूर डालूंगी, आप लोग ज़रूर देखना। वो बहुत ही हंसी आ रही थी, इतना एक्सप्रेशन दे के बोल रहा था, मुझे तो बहुत हंसी लग रही। मैं भी हंस रही थी, लेकिन मैं बिना साउंड के मैंने खींची क्योंकि वो देख लेगा इसीलिए। ओके व्यूअर्स, मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। इवनिंग को मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, आज कुछ स्पेशल आप लोगों के साथ मैं बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊंगी कुछ, क्योंकि आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घर में सोच रही हूँ। वो भी कुछ कुछ दिनों से बोल रहा है कुछ खाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, उसे बहुत पसंद है, मुझे पसंद है वो डिश, तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, उसको बहुत पसंद है। वो कैरेट से बनते हैं, उसे बहुत ही पसंद है। उस दिन भी मैंने बनाई थी वो लड्डू, कैरेट से ही बनाए थे, उसे कैरेट से बनाना वो डिश पसंद है। मैं देखती हूँ, ट्राई करूँगी, आपके साथ बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ओके व्यूअर्स, टाटा कर दो। ओके, सरसर ऊपर गई पेड़ पर, सरपट नीचे आई, दो पेड़ों पर बैठ 2 मिनट कुटकुट गुठली खाई, पीछे से पंजों पर बैठी अपना सीना तान, झपझप देती इतनी चंचली हाँ नन्ही सी जान, लगता जैसे चुप बैठी है पर चलती है ऐसे, छूते ही छू गई देहा में उसके बिजली जैसे, रेशम जैसी पूछ बड़ी सी रखते हाथ फिसलता, 3 नाड़ियों में काला रंग उस पर कितना खिलता, कितनी बोली कितनी अच्छी पर कितनी चालाक, कान आंख मुंह कितनी सुंदर नाक, अच्छी आवाज सुनाती इधर उधर हो जाती, गुठली छिलका या अनाज हो जल्दी जल्दी खाती, मन करता है इसे पाल कर रखूं अपने साथ, लेकिन यह तो नहीं भी आ पाती है हाथ। কি করছো? খেলছি। আচ্ছা, সঙ্গে টিভি দেখা হচ্ছে। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं कुछ ये जो होते हैं ना ऐसे पिच करके आवाज साउंड आती है, मुझे बहुत ही पसंद है। किन किन लोगों को ये पसंद है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोग। जब मैं छोटी थी मुझे ये बहुत ही पसंद है, अभी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो कभी कभी उसे ना ये जब मैंने थोड़े मेरे लिए थोड़ा सा रख दिया ना, मैं भी करूंगी ऐसा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे करना। और मैं करती रही। तो बीच बीच में अभी फ्री बैठी हूँ तो बोले मुझे लगा थोड़ा सा अभी इसका ही रखा था ये, तो मैंने कहा ठीक है मैं कुछ कर लेती हूँ। इसे चिल्लाना शुरू कर दिया रहने तो मैं कितना थोड़ी थोड़ी तो कर रही हूँ, मुझे बहुत ही पसंद था बचपन में। ओके व्यूअर्स, और एक बात, मैं अभी गाजर का हलवा बनाऊंगी, आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मैं अभी किचन में जाऊंगी, इसीलिए ओके फॉलो मी। व्यूअर्स, मैं किचन में आ गई हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए। हेलो व्यूअर्स, ऑलरेडी मैं कैरेट को धोकर और छिलके मैंने रख दिए हैं, अभी पीस पीस करके मैं काटूंगी, आप लोग मेरे साथ में रहिएगा। मैं पीस पीस करके मैं कैरेट काट रही हूँ, पीस पीस करके भी कर सकते हैं आप लोग और कद्दूकस करके भी कर सकते हैं। मैं एक दिन कद्दूकस करके मैंने किया और इसीलिए आज मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। जो पीस पीस करके मैं घी में फ्राई कर लूंगी, इसीलिए मैंने ऐसे काट रही हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं पीस पीस करके मैं कैरेट को ऑलरेडी काट चुकी हूँ, आगे मैं दिखाऊंगी आगे मैं क्या करने वाली हूँ। ओके, मैं कढ़ाई में अभी घी दे रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स कुछ फ्राई करना है मुझे अभी। तो व्यूअर्स, ड्राई फ्रूट्स में डाल रही हूँ, थोड़ी सी फ्राई कर लूंगी मैं अभी। एंड ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर चुकी हूँ, अभी मैं कैरेट्स को 2 चम्मच और 1 चम्मच में घी डाल देती हूँ, और 1 चम्मच मैंने घी डाल दी। मैं अभी मैं कैरेट को डालूंगी इसके अंदर, थोड़े टाइम कुछ टाइम के लिए 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी, ज्यादा टाइम तक नहीं करूंगी। वो इलायची के वो छिलके होते ना, मैं अभी इसमें कैरेट में डालूंगी और बाकी मैं नीचे वो रखी हुई ऐसे मैं वो बाद में डालूंगी, कि ये छिलके से फ्लेवर बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए मैंने वो छिलके मैंने डाली है कैरेट में। और कुछ टाइम तक मैं फ्राई कर लूँगी, इसके बाद मैं निकाल लूँगी, फिर कुकर में उसे 1 सीटी दूँगी तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। और कुकर में मैंने वो गाजर दे दी, सीटी लगा दी, बंद कर दूँगी मैं अभी। और उधर दूध गर्म करके मैंने रख दी पहले से। ओके व्यूअर्स, व्यूअर्स मैं और 1 चम्मच घी डाल दी कढ़ाई में, कुकर से मैं निकाल ली कैरेट, बॉईल हो गया, थोड़ा सा बाकी ये बाकी वो हो जाएगा। आज कुछ नए तरीके से मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कद्दूकस करके ही मैं करती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया सोचा मैं थोड़ा सा पीस पीस करके मैं घी में फ्राई कर लूँगी, फिर कुकर में मैं डाल दूँगी, बॉयल हो जाएगा, फिर देखते रहिएगा सब। ओके, वो कैरेट में फिर से घी में डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अभी दूध डाल रही हूँ। हेलो व्यूअर्स, वो मिल्क जो मैंने डाली थी अभी रिड्यूस हो रहा है, अभी मैं चीनी डाल दूंगी। अभी 1 मिनट मैं हिला को आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी रिड्यूस हो गया, अभी मैं चीनी डालूंगी। ओके व्यूअर्स, मैं ड्राई फ्रूट्स भी मैं डाल रही हूँ अभी, ऑलरेडी मैं फ्राई करके रख दी थी पहले, मैं डाल दी। और बाकी रह गया मेरा कॉन्डेंस मिल्क, बाद में डालूंगी। व्यूअर्स, मैं वो कॉन्डेंस मिल्क डाल रही हूँ, व्यूअर्स, मेरा गाजर का हलवा बन गया, अभी मैंने प्लेट में निकाल ली। कैसे लगा आप लोगों को प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना प्लीज। ओके व्यूअर्स, गाजर का हलवा बन गया मेरा, अभी मैं मेरे बेटे को, और हस्बैंड तो घर में नहीं है, वो शाम के टाइम निकल जाते हैं, तो निकल गए, और सासू माँ है उनको मैं दूंगी। उन लोगों को कैसे लगा वो बताएंगे आप लोगों को। ओके व्यूअर्स, मैं परोस लेती हूँ प्लेट में, आप लोग साथ में रहिएगा। व्यूअर्स, मेरे बेटे को मैं दे रही हूँ अभी। लो खे देखो तो कैमन हो खे देखो। बहुत स्वादिष्ट हुआ, अच्छा लगा। हाँ तो व्यूअर्स, उसको तो बहुत पसंद आया, वो तो खा रहा है अभी। अभी मैं सासू माँ को दूंगी, उनको पूछूंगी कैसा लगा। आप लोग साथ में रहिएगा। व्यूअर्स, मैं अभी सासू माँ को मैं दे रही हूँ, बेटे को तो देके आई हूँ, अभी उनको मैं दूंगी और उनको मैं पूछूंगी वो कैसे लगा, आप लोगों को बताएंगे वो। अभी बहुत दिनों खेदे कौन तो खेदे के बोलून हमें थोड़े रखी अपने धोन আমি দিয়ে দিই। ठीक है, आज उनको पसंद आया बहुत, वही खुशी है, उनको पसंद आया और बेटे को भी पसंद आया। मैं बहुत ही खुश हूँ, कुछ नया कुछ बनाओ और सबको पसंद आए, इससे बेहतर और क्या होगा। ओके व्यूअर्स, मैं कंटिन्यू करूंगी आप लोगों के साथ। तो व्यूअर्स, मैं भी लाई हूँ मेरे लिए, अभी मैं खा के मैं खुद देखूंगी कैसा बना। उन लोगों को तो बहुत ही पसंद आया, अब मैं खाऊंगी। जब मेरे हस्बैंड आए उनको भी मैं दूंगी, रात के खाने का टाइम हो जाएगा तो आज नहीं दे पाऊंगी, कल खाएंगे। और मैं अभी टेस्ट करके मैं देखूंगी कैसा हुआ। सासू माँ तो बोल रहे हैं अच्छे बने हैं, बेटा भी बोल रहा है बहुत ही अच्छा, ये अभी तक भी खा रहा है ये। मैं भी खा के देखती हूँ। भालो ही नहीं, अच्छा नहीं बना, बहुत ही अच्छा बना। आई एम गुड। ओके व्यूअर्स, कमेंट्स करके बताना आप लोगों के ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को। मैं और न्यू ब्लॉग्स कुछ मैं लाऊंगी आप लोगों के पास, कुछ आने वाले हैं कुछ ब्लॉग्स, बहुत जल्द कुछ नया ब्लॉग और भी आने वाले हैं। आप लोग साथ रहिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और भी नया ब्लॉग मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द लाने के लिए। Okay viewers, please support me and subscribe my mom channel.